तो मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं एसेट उस्ताद। एक क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे अपार्टमेंट दिखा दिए मैंने, क्वेश्चन भी तो बनता है बॉस। तो ये पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपको थाने लोकेशन में, मुंबई के थाने लोकेशन, पुणे के नहीं, मुंबई के थाने लोकेशन में एक आपको 1BHK अपार्टमेंट, एक स्टूडियो काइंड ऑफ 1BHK अपार्टमेंट देता हूं, जहां पे आपको मिलने वाला है आपका सोसाइटी का क्लब हाउस, आपका स्विमिंग पूल आपकी सोसाइटी की, एंड आपके सोसाइटी के अंदर मैं आपको देने वाला हूं एक वर्ल्ड क्लास का स्कूल बच्चों के लिए, ठीक है, मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे होने वाला है। तो प्राइस क्या होगा बॉस, क्या प्राइस हो सकता है? वैसी जगह जहां पे आपने सुना होगा कि अगर मुंबई में खोली भी है ना अपना, तो भी बहुत बड़ी बात है, पूरी जिंदगी चल जाती है। तो बताओ क्या प्राइस होना चाहिए? बहुत ही अच्छी प्राइस में लाया हूं मैं, प्राइस अगर मैं बताऊं आपको समवेयर अराउंड 52 लाख के आसपास जो मैं अपार्टमेंट दिखाने वाला हूं ये है, बट ये निगोशिएबल यहां पे प्राइस है भाई, इसको भी आप निगोशिएट कर सकते हो, आपको जब पसंद आएगा आप आओ मिलो बात करो, आप निगोशिएट करा सकते हो। तो स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट से अपार्टमेंट आपको यहां से स्टार्ट हो रहा है। एंट्रेंस पे बेसिकली बहुत अच्छी खासी डोर मिलने वाली है आपको, जो विजिट करोगे तो आप देख पाओगे मुंबई के थाने लोकेशन में, ठीक है। ये है आपकी लिविंग और डाइनिंग स्पेस, यहां तक प्लीज आप यहां पे आइएगा। बेसिकली जो अपार्टमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, वहां से यहां तक आपकी लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपका 288 स्क्वायर फीट का कारपेट है, बट ये जो 1BHK अपार्टमेंट है इसकी 27 स्टोरी बिल्डिंग है ये, तो आपको जो फील आने वाला है ना वो काफी प्रीमियम आने वाला है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये है आपके वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज दी गई है, ठीक है, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला मूव कर सकते हो एज पर योर वेंटिलेशन। और यहाँ पे जो चीजें दी गई है ये UPVC है, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊं UPVC होता क्या है, बेसिकली आपकी जो साउंड है बाहर में चल रही है वो अंदर 80-90% तक नहीं आती है, और आपको जो सीलिंग हाइट है लगभग 10 फुट का है, एग्जैक्टली 10 फीट का आपका सीलिंग हाइट टॉप टू बॉटम आपको मिलने वाला है। और इसके साथ आपको किचन स्पेस में आपको बताऊं तो ये है आपका किचन स्पेस, और हम अभी थाने के मुंबई के थाने लोकेशन में है बॉस। यहां पे आपको मिल रही है एल शेप में प्लेटफॉर्म, एल शेप में होने की वजह से काम थोड़ा इजी हो जाता है, कुछ चीजें आप यहां पे कर सकते हो, कुछ चीजें यहां पे कर सकते हो। और बट मैं आपको बताऊं मुंबई के थाने लोकेशन में ओनली 52 लाख रुपीज जो निगोशिएबल प्राइस है, यानी उसके भी कम, 52 लाख से भी कम हो जाएगा, वो प्राइस में आपको दिखाने वाला हूं ये अपार्टमेंट। तो ये है आपका किचन स्पेस, यहाँ पे आपको आ जा रही है आपकी वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस एंड रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस। तो ये जो स्पेस मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपका रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस आ जा रहा है यहाँ पे प्रॉपर, एंड ये जो स्लैब किया गया है यहाँ पे वॉशिंग मशीन आप यहाँ पे फिट कर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीजें जो आपको लग रही है ना, जो बेनिफिशियल होनी चाहिए आपके अपार्टमेंट में होनी चाहिए, आप कपड़े तो धोगे, कपड़े धोने के लिए आपको वॉशिंग मशीन हो गई, आपने खाना बनाया है खराब ना हो जाए तो रेफ्रिजरेटर आ गया, तो ये दोनों चीजें आपको मिल रही है। अगर कोई न्यू कॉमर्स है, मतलब एक एंटरप्रेन्योर है और वो सोच रहा है कि उनका पहला घर हो, तो ये उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि लोकेशन का लोकेशन और घर का घर दोनों मिल रही है आपको यहाँ पे। आइए अब जैसे यहाँ पे आते हैं ना, दिस इज योर सेंटर ऑफ फ्लैट, ठीक है, ये पोर्शन आपका फ्लैट का सेंटर हो जाता है। तो इसके साथ आपको बेडरूम आ रही है और यहाँ से आपके वॉशरूम्स हैं। तो पहले आइए, वॉशरूम्स को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो WC और एक तो आपका शावर एरिया। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं तो ये है आपका WC। अब यहां पे मैं बताऊं तो WC अलग होने की वजह से आप एक साथ आपको नहीं दिया गया, नहीं तो एक साथ रहेंगे तो क्या होता है ना, शावर एरिया भी उसी में, कमोड भी उसी में, वॉश बेसिन भी उसी में, कोई एक बंदा उसमें गया इंगेज हो गया तो सारा चीज, अब वो बंदा जब तक निकलेगा नहीं तब तक वो दूसरा को यूज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कैसा है, WC आपको अलग नहीं दिया गया, ठीक है, इसका आप यूटिलाइजेशन आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आपकी आ रही है वॉश बेसिन, तो ये आपको पता है कि घर में वॉश मशीन अगर वॉशरूम के बाहर मिल रहा है तो कितना बेनिफिशियल होता है। नॉर्मली आप खाना खाओगे हाथ गंदे होते हैं, हाथ क्या मतलब लॉट ऑफ थिंग्स के जो गंदे होते हैं, धोने के लिए आपको बाहर यहाँ पे मिल रहा है। और ये है आपका शावर एरिया, शावर एरिया देखो सेम जैसा आप देख रहे हो सेम फिटिंग्स वगैरह मिलने वाले हैं, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो इंटीरियर किया गया वो नहीं रहेगा। साइज की बात करूं तो अच्छी खासी साइज है, दिस फिटिंग सारे जैगवार के। और यहाँ पे आपकी आ रही है डोर, अगर मैं इसकी साइज बताऊं 3.3x4.7 की साइज है, ठीक है। और इसके साथ आपका आ रहा है बेडरूम, दिस इज योर बेडरूम, प्लीज कम। बेडरूम की अगर मैं बात बताऊं तो यहां पे आपकी आ रही है 6x6.5 की बेड, 6x6 सॉरी। यहां पे आपको ये जो स्पेस देखा इसको यूटिलाइज किया एज ए वार्डरोब,
वो भी जो स्पेस आप देख रहे हैं ना वहां पे भी वार्डरोब यूटिलाइज किया है, और ये जो है ये इंटीरियर करके स्टोरेज के लिए बनाया गया, ठीक है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जहां पे भी खड़े हो ना, ये है एक सैंपल फ्लैट का टूर, तो यहां पे इंटीरियर किया गया, तो जो एग्जैक्ट फ्लैट आपको मिलेगा वो रॉ फ्लैट मिलने वाला है, तो उसका साइज इससे थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि जस्ट आप एक बार यहां पे देखेंगे ये इंटीरियर किया गया, तो यानी इसकी स्पेस इतनी तो गई हुई है, ठीक है। तो इसकी भी साइज आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगी। फ्रेंकली बताऊं, मुंबई में मैंने नहीं सोचा था कि इतना यू नो 52 लाख या 50 लाख जो भी निगोशियबल प्राइस है उसमें अपार्टमेंट मिलेगा, वो भी थाने लोकेशन में, वो भी आपके मेट्रो के बाजू में। मेरे लिए ये एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने पुणे में ही जो अपार्टमेंट बनाया है 2 करोड़ 3 करोड़, साउथ बॉम्बे में बनाया है 10 करोड़ 15 करोड़ का वीडियोस बनाए हैं, बट ये प्राइस सीरियसली अनबिलीवेबल है। मेरे फ्रेंड रहते हैं कल्याण में, वो 1 BHK 40-45 लाख में बेचते हैं। अब ये तो थाने हैं बॉस। तो स्क्रीन में आपको नंबर दिए गए हैं, वहां पे आपको जाना है, बस जाके कॉल करना है, और कॉल करना है आपको, हमारी टीम में से आएंगे विजिट कराने। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जिसको ये अपार्टमेंट चाहिए, मुंबई में स्टार्स के साथ रहने का सपना पूरा करना है, तो आ जाओ बॉस, दिला दूंगा। अगर आप नहीं आए तो आपके दोस्त को दिला दूंगा। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।